हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 18 है और आज जो आपका टॉपिक है वो आपका मान लो टॉपिक है बच्चों, जो हम चैप्टर्स जो है आप स्टार्ट करने जाए वो हमारा है अल्टरनेटिंग करंट का। तो उसको अल्टरनेटिंग करंट को हम पढ़ने से पहले आप लोगों को आज कुछ फेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों कि आपका फेज क्या चीज़ होती है। इससे पहले आपने फेज जो है जो 11th क्लास में पढ़ा था कि आपका फेज क्या चीज़ होती है, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था तो वहाँ पे एक फेज की बात होती थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पता है कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करता हो, वाइब्रेटिंग करता हो, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन जो है फिर रिपीट करता हो, उस मोशन को हमें बोला जाता था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमने पढ़ा था, उसमें फेज क्या चीज़ होती है वो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे फेज हमेशा किसी चीज़ का होता है, किस चीज़ का होता है, हमेशा एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के होते हैं। जैसे कि फेज होगा हमेशा एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का होगा, हमेशा एक अल्टरनेटिंग आपका एक करंट का होगा, फेज हमेशा क्या होगा एक एक अल्टरनेटिंग डिस्प्लेसमेंट का होगा, एक अल्टरनेटिंग वेलोसिटी का होगा। तो हमेशा फेज जो है हमेशा किसी एक वाइब्रेशन आपका मोशन का होगा हमेशा फेज। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों की फेज इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज है जो फिक्स टाइम के बाद वो अपना मोशन जो है वो हमेशा रिपीट करते हैं। एक ऑसिलेटिव मोशन है, एक वाइब्रेटिव मोशन है, उसमें हमेशा किस की बात होगी, हमेशा एक फेज की बात होगी। तो बच्चों फेज क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके बाद आपका फेज क्या चीज़ होती है। फेज हमेशा किसका होता है बच्चों, फेज हमेशा किसी एक वाइब्रेटिंग आपका पार्टिकल का होता है। हमेशा कोई पार्टिकल जो है, मान लो यहाँ से आपका ये आपका मीन पोजीशन, जिसके बाद मान लो यहाँ पे गया, इसके बाद उसका एक्सट्रीम पोजीशन, इसके बाद पार्टिकल फिर ओरिजिनल पोजीशन, इसके बाद फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में गया, रिवर्स डायरेक्शन में फिक्स आपका डिस्प्लेसमेंट के बाद पार्टिकल फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। इसका मतलब है पार्टिकल यहाँ से वो जाता है, 24 जाता है, 24 आगे पीछे ऊपर नीचे, इस वाले आपका मोशन का हमेशा क्या होता है, हमेशा एक फेज होता है। फेज ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल, हमेशा किसी पार्टिकल के वाइब्रेटिंग पार्टिकल का हमेशा फेज होगा। एक एनी इंस्टेंट, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमेशा पार्टिकल के हमेशा फेज के बारे में क्या चीज होगा, क्यों फेज हमेशा क्या देता है हमेशा। आपको यह याद रखना है बच्चों कि फेज किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में या वाइब्रेटिंग मोशन में या आपका एक वायरिंग आपका मोशन में हमेशा फेज जो है हमेशा क्या आइडिया देता है आपका, विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, किसी पार्टिकल की आपका पोजीशन के बारे में आपको आइडिया दे देगा। कि फेज से हमें आपका पार्टिकल की पोजीशन के बारे में आपको आइडिया आएगा पहले। दूसरा, आपका फेज से हमेशा क्या चीज आते हैं बच्चों, आपका डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपको देखना है कि पार्टिकल जो है कि मोशन जो है इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो आपका फेज जो है आपका डिटरमाइन करेगा। आपका फेज जो है आपका स्टेटस देगा कि आपका पार्टिकल जो है या इस मीन पोजीशन से एबो जा रहा है या मीन पोजीशन से नीचे जा रहा है या मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है या मीन पोजीशन से आगे जा रहा है। ये वाला जो आइडिया जो है आपका बता, आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऑसिलेट एक वाइब्रेटिंग मोशन में, एक अल्टरनेटिंग जो आपका मोशन में हमेशा क्या देगा, हमेशा फेज जो है आपका ये आइडिया देगा। तो आपका फेज क्या देते हैं बच्चों, फेज हमेशा किसी पार्टिकल की हमेशा पोजीशन के बारे में आपको, स्टेटस ऑफ पोजीशन, किसी पोजीशन की, किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में आपको आइडिया दे देगा। और पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ द मोशन, आपका पार्टिकल जो किस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है उसकी मोशन की डायरेक्शन को आपका फेज जो है आपको आइडिया दे देगा। तो फेज जो है ओवरऑल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा फेज जो है किसी पार्टिकल की एक स्टेटस के बारे में पता करते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन, लोकेशन, पार्टिकल की डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे, ये चीजें हमेशा आपका फेज जो है आपको आपको बताता है। तो फेज हमेशा बेसिकली क्या चीज होती है बच्चों, कि फेज हमेशा एंगल होती है। फेज जो है आपका कुछ नहीं होता, फेज जो है हमेशा एक एंगल की बात होती है, थीटा की बात होती है, आपका थीटा की होती है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल। तो फेज हमेशा क्या होगा, एंगल होगा। एक एंगल जो है आपको बताता है कि पार्टिकल की पोजिशन कहाँ है, पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है, वो हमेशा एक एंगल आपको बताता है। एक डिस्टेंस नहीं बताता, एक मीटर नहीं बताता आपको, फेज जो है एक पार्टिकल की एंगल जो है आपका, पार्टिकल की लोकेशन, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की डायरेक्शन जो है आपको बताता है, उस एंगल को बोला जाता है आपका फेज बोला जाता है। तो बच्चों फेज को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मैंने देखो एक, इसको हम जब 11th में हमने पढ़ा था, इसको एक फेजर डायग्राम बोला जाता था। तो फेजर डायग्राम में क्या होता था, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वर्टिकल आपका, मान लो इस
सर्कुलर एक सर्कल है, इस सर्कल के क्या है का वर्टिकल डायरेक्शन, यह आपका एक्स डायरेक्शन है, यह आपका वर्टिकल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है बच्चों, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे आपका इससे हो रहा है बच्चों, पहले पार्टिकल क्या आपने था, मान लो पार्टिकल हम यहाँ पे आपका दो ले लेंगे, एक पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, इसके बाद पार्टिकल यहाँ, इसके बाद पार्टिकल यहाँ, इसके बाद पार्टिकल यहाँ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका मूव कर रहा है। तो मान लो वो पार्टिकल है पी, पी पहले यहाँ पे था टी इज़ इक्वल टू जीरो, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद पार्टिकल जो है आपके यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे क्या करना है आपका पार्टिकल जो है पी जो है इस सर्कल की इधर पहुंचा है, तो यहाँ से क्या कर लेना है आपको एक प्रोजेक्शन लेना, एक इमेज लेना है बच्चों पी का, तो पी का एक प्रोजेक्शन लिया आपका क्यू, तो आपका क्या लेना है इस क्यू को पी की आपका पी जो है आपका आपका एक सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उस पी की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आपको इमेजिनरी आपके दिमाग में ये रखना है पी का आपको क्या लेना है इमेज, उसका प्रोजेक्शन लेना है आपका क्यू। देखो आपको क्या करना है, देखो बच्चों आपके ये हुआ, मान लो ये आपका एक सर्कुलर मोशन है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसके बाद वहां पे क्या था टी इक्वल टू जीरो था जब पार्टिकल यहाँ पे था, इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा कुछ एंगल आपका मान लो 30 डिग्री आपका एंगल कवर किया, तो पी यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद इसका प्रोजेक्शन लेना है आपका क्यू, तो जो ही पी आपका आगे जाता है आपका क्यू भी आगे जा रहा है, देखो आपका क्यू भी आगे जा रहा है, क्यों यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद आपका पी जो है आपको यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद ये 60 डिग्री का एंगल करता है, इसके बाद यहाँ से एक प्रोजेक्शन लेना है आपका क्यू डी, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब जो ही पी आपका ये पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, जो ही पी आगे बढ़ते जाते उसका प्रोजेक्शन लेना है, इसका मतलब है इस वर्टिकल एक्सिस पे इस डायमीटर पे आपका क्या हो रहा है इस क्यू भी ऊपर जा रहा है, आपका पी यहाँ पे पहुंचा क्यों यहाँ पे पहुंचा, पी आप यहाँ पे पहुंचा क्यों यहाँ पे पहुंचा, जो ही पी यहाँ पे पहुंचा आपका क्यों यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद यहाँ से आ गया पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमें इस चीज को नहीं देखना है, हम इस पी का प्रोजेक्शन को देखना है, तो यहाँ पी यहाँ पे पहुंचा क्यों यहाँ पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद पी रेस यहाँ पे पहुंचा आपका यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद आपका मीन पोजिशन से लेकर आपका एक्सट्रीम पोजिशन पे यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचा बच्चों, इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो पार्टिकल आपका क्यों यहाँ पे पहुंचता है, तो इसके बाद आपका पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंचता है तो आपका पी जो है आपका क्यों जो है यहाँ पे पहुंचता है, इसके बाद आपका पी जो है यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद यहाँ से यहाँ, इसके बाद यहाँ से यहाँ, ओवरऑल अगर इस तरह देखें तो जो ही आपका पी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है, पी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है, और क्यों जो है आप एक वर्टिकल एक्सिस पे आपका एक एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन द पार्टिकल इज आपका 30 डिग्री आपका पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब आपका ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके 60 डिग्री पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है, इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है, इसके बाद क्यों ही पी यहाँ पे पहुंचा तो पार्टिकल नीचे आ रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे, इसके बाद आपका पी यहाँ पे पार्टिकल नीचे आ रहा है बच्चों, इसके बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इसके बाद आपके यहाँ पे पहुंचा बच्चों आपका, इसके बाद भी यहाँ पे पहुंचा तो पार्टिकल आपका नीचे जा रहा है, इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे, जो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे इसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इस ये इस वर्टिकल डायमीटर पे आपका जो आपका क्यू जो है वो ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, तो इससे मतलब क्या है कि ना आपका ये पी जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, इसका वर्टिकल डायमीटर पे एक पार्टिकल जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसे बता दूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इस तरह यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे था, जब पार्टिकल पी यहाँ पे था तो क्या हुआ यहाँ पे आपका थीटा क्या होगा जीरो, जब यहाँ पे पहुंचा तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, जब आपका पी यहाँ पे पहुंचा तो क्यू यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे क्या होगा पाई बाई टू एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुंचेगा बच्चों आपका पार्टिकल, इसके बाद आपका पार्टिकल जो है रिवर्स डायरेक्शन आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे पाई होगा बच्चों एक्सप्रेसी, इसके बाद पार्टिकल जो है यहाँ से आपका नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3π/2 360 होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका 2π, तो इस पाई को क्या बोला जाता है बच्चों इस ओमेगा टू, मान लो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, इसके बाद पार्टिकल यहाँ से आपका सर्कुलर मोशन में यहाँ हुआ तो एक एंगल बनाते हैं ओमेगा टी, ओमेगा टी को बोला जाता है फेज, किसका फेज इस पार्टिकल का, इस वाई का इस डिस्प्लेसमेंट का फेज बोला जाता है आपका ओमेगा टी, तो ओमेगा टी क्या होगा आपका फेज, तो फेज क्या आपको आइडिया देता है, फेज हमेशा किसी पार्टिकल की लोकेशन पोजिशन के बारे में आपको आइडिया देता है, तो आपको ये आइडिया होगा बच्चों
तो मैंने कहा फेज जो है आपका एंगल में शो करता है, तो फेज क्या हुआ, फेज किसको बोला जाता है, ओमेगा टी को, इस एंगल को क्या बोला जाता है आपका फेज, तो आपका बोला जाएगा व्हेन द फेज इज आपका जीरो, तो पार्टिकल कहां पे है, आपके मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, व्हेन द फेज इज पाई बाय 2 तो पार्टिकल कहां पे होगा आपका, आपके एक्सट्रीम पोजीशन। देखो बच्चों यहां पे आप मैं से बता दूं, व्हेन द फेज इज जीरो, व्हेन द फेज इज जीरो, जब फेज जीरो था तो पार्टिकल यहां पे था, तो पार्टिकल यहां पे था, व्हेन द फेज इज पाई बाय 2 जब फेज जो है पाई बाय 2 हुआ तो पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन पे हुआ आपका पार्टिकल यहां पे हुआ, इसके बाद पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसके बाद यहां से ऊपर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, इसके बाद पार्टिकल आपका नीचे आ रहा है, नीचे यहां पे, तो उस टाइम फेज क्या होगा पाई, इसके बाद पाई, तो पाई का मतलब क्या है, व्हेन द फेज इज पाई, इसका मतलब है आपका पार्टिकल जो है आपका मेन पोजीशन पे, व्हेन द फेज इज आपका 3 पाई बाय 2 तो आपका पार्टिकल जो है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, व्हेन द फेज इज आपका 2 पाई तो पार्टिकल जो है आपका कहां पे है, फिर आपका ओरिजिनल आपका पोजीशन पे। तो आपका फेज क्या देते हैं, फेज आपको ये आइडिया देते हैं कि आपका पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की लोकेशन, पार्टिकल की डायरेक्शन जो है आप के बारे में आपको आइडिया देते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना होगा बच्चों, व्हेन द फेज इज, यहाँ पे देखो तीन फेज है, एक पाई, तो फेज यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, फेज आप कहें एक तो पाई, एक तो मान लो यहाँ पे जीरो इसका पाई एंड टू पाई, इन तीनों की फेज जो है पाई जीरो टू पाई, ये तीनों फेज है, इन फेज पे क्या होगा पार्टिकल की पोजीशन जो है आपका मीन पोजीशन पे। तो आपको ये देखना है व्हेन द पार्टिकल इज जीरो तो फेज आपका पार्टिकल पार्टिकल की पोजीशन क्या कहाँ पे मीन पोजीशन, व्हेन द फेज इज पाई तो पार्टिकल की पोजीशन है मीन पोजीशन, व्हेन द फेज इज टू पाई तो पार्टिकल की पोजीशन पे मीन पोजीशन, व्हेन द फेज इज पाई बाय 2 तो पार्टिकल जो है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, व्हेन द फेज इज 3 पाई बाय 2 तो पार्टिकल की आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जो है आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तो जीरो का देखो बच्चों आपका व्हेन द फेज इज पाई बाय 2 तो इसका मतलब है आपका फेज पाई बाय 2 का मतलब है कि पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। व्हेन द फेज इज 3 पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 भी एक्सट्रीम है, 3 पाई बाय 2 भी है आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन पाई बाय 2 एक्सट्रीम, पाई बाय 2 फेज का मतलब है कि आपका पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है। व्हेन द फेज इज 3 पाई बाय 2 इसका मतलब है दोनों का दोनों एक्सट्रीम पर, फेज पाई बाय 2 फेज 3 पाई बाय 2 दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन पाई बाय 2 का मतलब है आपका पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो आपका 3 पाई बाय 2 का मतलब है कि आपका पार्टिकल जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आपका व्हेन द फेज इज जीरो इसका मतलब है पार्टिकल आपका यहाँ पे है और इंटेंशन है कहाँ की जाने का, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। व्हेन द फेज इज पाई, पाई का मतलब है आपका पार्टिकल फिर आपका मीन पोजिशन पे, लेकिन आपका पार्टिकल जो है कहाँ की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। व्हेन द फेज इज 2 पाई, व्हेन द फेज इज 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या है आपका पार्टिकल जो है फिर आपका कहाँ पे आ रहे हैं, आपका मीन पोजिशन है, और पार्टिकल जो है फिर आपका ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फेज जो है आपको ये आइडिया देते हैं कि आपका पार्टिकल की डायरेक्शन, पार्टिकल की लोकेशन, पार्टिकल की पोजीशन के बारे में आपको जो आइडिया देगा उसको हमेशा क्या बोला जाएगा फेज। तो फेज बेसिकली क्या चीज होती है, एक एंगल होती है बच्चों, एक थीटा होती है, एक ओमेगा टी होती है, इस ओमेगा टी को बोला जाएगा फेज ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल डिस्क। व्हाट इज ओमेगा टी, ओमेगा इज द फेज ऑफ दिस ऑसिलेटिंग पार्टिकल। व्हाट इज वाई, वाई इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये पार्टिकल जो है कुछ फेज बनाता है, उस फेज को क्या बोला जाएगा, ओमेगा टी बोला जाएगा। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे देखो बच्चों, तो व्हाट इज वाई, आप यहां पे फेज बनाने के लिए आपको एक चीज याद रखना है बच्चों, ए नॉट को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड वैल्यू बोला जाता है, ए नॉट को आपको बोला जाता है पीक वैल्यू। व्हाट इज वाई, इज वाई इज को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस पोजीशन बोला जाता है। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मैं राइट एंगल बनाता हूँ, ये वाई है, यहाँ से ये इसको बोला जाता है रोटेटिंग वेक्टर बोला जाता है बच्चों, यहाँ पढ़ेंगे रोटेटिंग वेक्टर, ये रोटेटिंग वेक्टर जो है आपका पार्टिकल जो है आपका सर्कुलर मोशन में इधर आ रहा है, आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जितना इधर आ रहा है, एक पार्टिकल जो है एक इस वर्टिकल आप एक्सिस पे आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, इसके बाद कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद आपका पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंचा, तो उस टाइम उसने एंगल बनाया ओमेगा टी, उस ओमेगा टी को क्या बोला जाएगा आपका फेज बोला गया।
तो बच्चों यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई है तो ये भी क्या होगा वाई वाई, तो इसमें आपका साइन थीटा लगाएंगे। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज टू परपेंडिकुलर बट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज टू वाई डिवाइड हाइपोटेन्यूज ए नॉट। इस ए नॉट को क्या बोला जाता है? आपका पीक वैल्यू बोला जाता है। पीक वैल्यू किसका? इस वाई का पीक वैल्यू क्या होगा? ए नॉट होगा बच्चों। तो आपका वाई इज टू क्या होगा? ए नॉट साइन ऑफ थीटा। तो वाई इज टू क्या होगा? ए नॉट साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या आएगा आपका? ओमेगा टी होगा। दिस इज द, ये आपका एक इक्वेशन बनता है। किस इक्वेशन का मतलब बनता है बच्चों? ए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन बनता है। ये y क्या चीज है? अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं तो y a नॉट को क्या बोला जाता है? a नॉट को बोला जाता है पीक वैल्यू बोला जाता है, पीक वैल्यू बोला जाता है, या a नॉट को बोला जाता है हम एम्पलीट्यूड बोला जाता है, या आपका पीक वैल्यू बोला गया। किसको? a नॉट को हम क्या बोला जाता है बच्चों? आपका पीक वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोला जाता है आपका एम्पलीट्यूड। और ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है बच्चों। इसके बाद इस ओमेगा टी को क्या बोला जाता है? साइन के आगे जो आपका एंगल हो, इस एंगल को क्या बोला जाता है? फेज बोला जाता है, फेज, पी एच ए एस टी फेज। तो इस वाई को क्या बोला जाता है बच्चों? आपका इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपके इक्वेशन क्या बनता है? एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, या अल्टरनेटिंग करंट का, या एक इंस्टेंटेनियस आपका एक पोजीशन का, एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का आपका इक्वेशन क्या बनेगा? जब एक पार्टिकल जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जब वो पार्टिकल जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, चाहे वो ईएमएफ की शक्ल में हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल में हो, चाहे अल्टरनेटिंग वेलोसिटी की शक्ल में हो, या एक्सेलरेशन की शक्ल में हो, या आपके एक एनर्जी की शक्ल में हो, तो हमेशा उसका इक्वेशन क्या बनेगा? हमेशा इस फॉर्म में बनेगा बच्चों, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस ए नॉट को बोला जाता है पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोला जाता है। किसका? उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सट्रीम पोजिशन होगा। ये वाला बोला गया बच्चों, ए नॉट यहाँ से आएंगे, इसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। इस ए नॉट को भी बोला गया था एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू। इस साइन के आगे जो आपका एंगल होता है ओमेगा टी, इसको बोला गया फेज। इसके बाद इस वाई को क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको इसलिए डील कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो आपका फेज, इसीलिए आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि आपका जो कल वाला जो हमने एसी जो जनरेटर हमने डिटेल में आप लोग पढ़ाया था, जो एसी जनरेटर में जो आपका जो आपका जो इक्वेशन आया था, एक्सप्रेशन आया था ईएमएफ का, वो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आपको इस तरह था बच्चों, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली ये पता चलता है जो आपका जो वहां से ईएमएफ निकलेंगे, जो एक आपका एसी जनरेटर है, उस एसी जनरेटर से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेंगे, जो आपका ईएमएफ निकलेंगे, जो आपका वोल्टेज निकलेगा, जो आपका सिग्नल देगा, वह हमेशा क्या होगा? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन जो है आपका चेंज करेगा। तो ये हो गया एक आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ईएमएफ, ये हो गया एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एक डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन। तो इन दोनों को आपको टेली करने से क्या हुआ? यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ई नॉट है, यहाँ पे ए नॉट है, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है। तो इन दोनों की इक्वेशन से आपको ये पता चलता है, ये भी एक अल्टरनेटिंग इक्वेशन है, ये भी क्या है कि अल्टरनेटिंग इक्वेशन है, ये भी आपके क्या है कि वेरिंग आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसको हम बोला जाता है वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, या अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम बोला जा सकता है। तो आपका यहाँ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे ई नॉट को क्या बोला जाता है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। जो ईएमएफ जो वोल्टेज आपके घरों में आता है बच्चों, जो आपका वोल्टेज जो है आपका एसी वोल्टेज की सप्लाई आपके घरों में आता है, उस वोल्टेज का हमेशा एक पीक वैल्यू होगा, हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू होगा ईएमएफ का, उसको बोला जाता है आपका पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। इसके बाद ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। इस ई को क्या बोला जाता है आपका? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ई को क्या बोला जाता है बच्चों? आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी बोला जा सकता है, या इंस्टेंटेनियस आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। आप ई को आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी बोला सकते हैं, या आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोला जाता है। ई नॉट को क्या बोला जाता है? पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। इस ओमेगा टी को क्या बोला जाता है? आपका फेज बोला जाता है, फेज। तो यहां से आपका एक चीज ये आइडिया आता है
तो आपका जो एसी जो आपका वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, वो हमेशा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपना पोलरिटी जो है हमेशा वो चेंज करेगा। इसीलिए आपका ई एम एफ का जो इक्वेशन आते हैं बच्चों, आपका ये वाला इक्वेशन बनता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसका मतलब हुआ, आपको मतलब फेस, फेस का क्या हुआ बच्चों, ओमेगा टी को क्या बोला जाएगा, फेस ओमेगा टी को क्या बोला गया, फेस, फेस। तो यहां से मैं आपको बता दूं, व्हेन द फेस इज जीरो, जब आपका फेस जीरो होगा तो ई एम एफ की वैल्यू क्या होगी, व्हेन द फेस इज जीरो, जब ओमेगा टी आपका जीरो था तो आपका फेस क्या था, व्हेन द ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, तो ई एम एफ की वैल्यू क्या होगी, ई एम एफ की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ यहाँ पे जीरो पुनः से आपका ई एम एफ का वैल्यू आपका जीरो होगा। तो आपका व्हेन द फेस इज, व्हेन द फेस इज पाई बाय टू, व्हेन द फेस इज पाई बाय टू, जब आपका उस ईएमएफ की, ईएमएफ की उस सेंटेंस वैल्यू की, उस सेंटेंस ईएमएफ की फेज जो है आपका पाई बाय टू, इसका मतलब है आपका उस ईएमएफ का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा ई इज इक्वल टू ई नॉट। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट। इसके बाद आपका ओमेगा टी, जब आपका फेज जो है आपका पाई होगा तो आपका ईएमएफ का वैल्यू आपका जीरो होगा, व्हेन द फेज आपका पाई इज इक्वल टू थ्री पाई बाय टू होगा, आपका थ्री पाई बाई टू का मतलब क्या होगा बच्चों, आपका थ्री दो सौ सत्तर। तो यहाँ पे क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, माइनस ई नॉट होगा, व्हेन द ओमेगा टी, जब आपका फेज जो है आपका टू पाई होगा, तीन सौ साठ होगा, तो आपका ई एम एफ का वैल्यू क्या होगा, फिर आपका जीरो होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज ये आइडिया आता है बच्चों की आपका आपका फेज जो है आपका क्या देते हैं, फेज आपको ये आइडिया देते हैं कि आपका एक ऑसिलेटिंग जो आपका ई एम एफ है उसकी आपका मैग्नीट्यूड आपका रिप्रेजेंट करता है, कि आपका जो मैग्नीट्यूड जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या आपका जीरो बन रहा है या मैक्सिमम हो रहा है, वो हमेशा आपका फेज जो है आपको ये आइडिया देगा। जब फेज जो है आपका, अभी बोला जब फेज आपका जीरो है तो उसमें आपका ई एम एफ जो है आपका जीरो है, ई एम एफ जो है आपका जीरो है, आपका वोल्टेज आपका जीरो है। जब आपका फेज जो है आपका पाई बाय टू बनता है, जब आपका फेज जो है आपका पाई बाय टू बनता है, पाई बाय टू, तो आपका ई का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है आपका जो ई एम एफ का वैल्यू ऐसे ही होगा बच्चों, ई एम एफ का वैल्यू ऐसे ही होगा, यहाँ पे जीरो था, तो जब जब फेज आपका जीरो था तो ई एम एफ का वैल्यू क्या था, जीरो, तो यहाँ पे ई इक्वल टू जीरो, जब आपका फेज है आपका पाई बाय टू था तो ई एम एफ का वैल्यू ई नॉट, तो ई एम एफ का वैल्यू ई नॉट, जब आपका फेज जो है आपका क्या था पाई, तो ई एम एफ का वैल्यू जीरो, तो ई एम एफ का वैल्यू फिर आपका जीरो, ई एम एफ का जीरो, जब फेज जो है आपका पाई था, इसके बाद जब आपका फेज जो है थ्री पाई बाई टू था, थ्री पाई बाई टू मीन्स रिवर्स डायरेक्शन, तो आपका ई एम एफ का वैल्यू क्या, माइनस ई नॉट, जब आपका फेज जो है आपका टू पाई है तो आपका ई एम एफ का वैल्यू फिर ई नॉट होगा, ई नॉट, ई नॉट। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आपका एक अल्टरनेटिव ई एम एफ का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, जब आपका ई एम एफ जीरो तो यहाँ पे इसके बाद आप ई इंक्रीज हो रहे, इंक्रीज हो रहे, इसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसको पीक वैल्यू आप ई एम एफ बोलेंगे, इसके बाद ई एम एफ डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर जीरो बनेंगे, इसके बाद आपका ई एम एफ जो है आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो होना शुरू होगा, इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है बच्चों, आपका ग्राफ ऐसे बना था, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी इसका फेज, यहाँ पे आपका ई एम एफ, अगर उसका ग्राफ बनेंगे तो पहले क्या होगा जीरो, जब आपका यहाँ पे क्या होगा जीरो, इसके बाद आपका पाई बाय टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आपका थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे आपका थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे आपका टू पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो वे डायग्राम अगर हम बनाएंगे किसका, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वे डायग्राम बनाएंगे, तो क्या होगा, पहले आपका जीरो, इसके बाद जीरो, इसके बाद यहाँ पे ईएमएफ आपका जीरो, इसके बाद जब फेज पाई बाय टू, तो ई एम एफ जो है आपका मैक्सिमम बनता है, तो आपका पाई बाय टू का आपका मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम, इसके बाद जब आप फेज जो है आपका पाई था तो आपका जो इंस्टेंटेनियस ई एम एफ जो है आपका जीरो बनता है, इसका मतलब है जब आपका पाई था तो आपका इंस्टेंटेनियस ई एम एफ आपका जीरो बनता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जीरो था जीरो, इसके बाद पाई पाई बाय टू पे जब फेज जो है उस अल्टरनेटिव ई एम एफ का फेज जो पाई बाय टू था, तो आपका ई एम एफ जो आपका मैक्सिमम बनते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके बाद आपको जब फेज जो है आपका पाई था तो आपका अल्टरनेटिव ई एम एफ आपका जीरो बनेगा, जब आपका फेज थ्री पाई बाय टू था तो आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंचेगा बच्चों, यहाँ पे जब आपका फेज जो है आपका टू पाई था तो आपका अल्टरनेटिव ई एम एफ जो आपका फिर आपका जीरो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, वस्सलाम अलैकुम।